देशभर में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग वाले लोगों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी का हवाला देकर वैक्सीन लगाने में असमर्थता जताई जा रही है। इसके बाद आज किन किन राज्यों में नहीं हुआ वैक्सीनेशन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में आज से 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है। राज्यों का कहना है कि वैक्सीन ही नहीं है तो अभियान कैसे शुरू करें। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश ने कहा है कि उनके यहां वैक्सीन की कमी के कारण 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से कोविड-19 का टीका लगेगा। इन जिलों में संक्रमण के 9,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद अन्य जिलों में भी इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत होगी। जिन 7 जिलों में टीकाकरण की शुरुआत आज से हो रही है उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों से 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों के बाहर कतार न लगाने की अपील करते हुए शुक्रवार को कहा कि दिल्ली को अभी टीके नहीं मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो निजी अस्पतालों से कोविड-19 रोधी टीके वापस लेगी और लोगों को ये टीके सरकार संचालित स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से लगाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 टीके की खुराक की कमी के कारण आज से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं होगा। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए आज से शुरू होने वाले व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम को टाल दिया है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने तकनीकी कारणों से आज से 18 से 44 वर्ष उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका देने का कार्यक्रम टाल दिया है। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार रात को कहा कि वो केवल भुवनेश्वर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से सांकेतिक तौर पर शुरू करेगी, क्योंकि ये पूरे राज्य में साप्ताहांत बंद का पहला दिन है। आंध्र प्रदेश में टीके की कमी के कारण 1 मई से आंध्र प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण का शुरुआत नहीं हो पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।